नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं क्रिएटिव माइंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे बिना ऑनलाइन गए किसी को रिप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हमारे पास जी व्हाट्सएप था या फिर यो व्हाट्सएप था, उसके अंदर हमें लार्सिन फ्रीज करने का ऑप्शन मिल जाता था। उसके साथ किसी को नहीं पता चलता था कि हम ऑनलाइन आए हैं या नहीं आए, तो ऐसे में आप किसी एक पर्सन के साथ बात कर सकते थे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो लेकिन वो आजकल बैन हो चुका है, तो आप जब भी ऑनलाइन आते हैं तो लोग आपको परेशान करते हैं मैसेज कर करके। तो आप अगर एक बंदे के साथ किसी के साथ बात करना चाहते हैं तो आप ऐसे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको औरों के मैसेज डिस्टर्ब करते रहते हैं कि आप ऑनलाइन बैठे हो लेकिन आप हमारा रिप्लाई नहीं कर रहे। तो ऐसे में जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ आप किसी भी पर्सन को रिप्लाई कर सकते हैं और किसी को नहीं पता चलेगा कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो, क्योंकि आपका लार्सिन चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आने वाले अपडेट्स को पा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है हाइड। आप प्ले स्टोर पर सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली हाइड लिखना है। हाइड के नाम की बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी, लेकिन जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका लोगो आपको ऐसा दिखेगा। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले ही इंस्टॉल किया हुआ था तो इसलिए मेरा ओपन आ रहा है। तो आप इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे व्हाट्सएप कहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हो, या इंस्टाग्राम के लिए यूज़ करना है आपको, या फिर ईमो के लिए यूज़ करना है, कोई भी आपका मैसेंजर हो, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप किसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, ये सारी एप्लीकेशन पे आपको ऑनलाइन जाके रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इस एप्लीकेशन के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशन के लिए काम करेगा आपका। जैसे आप व्हाट्सएप के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ऑल मैसेज में सारे शो कर जाएगा, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के ही देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर क्लिक करके आप ओनली व्हाट्सएप के देख सकते हैं। तो ऐसे में आप यहीं से ही उनका रिप्लाई कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपका लार्सिन चेंज ना हो। तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी हैं आपके, जैसे मीडिया को हाइड करना चाहते हैं तो मीडिया को हाइड कर सकते हैं। आप किसी भी इमेज या वीडियो को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहीं से हाइड कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप किसी ऐप पे लोकल करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन में आपको ऐप लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप ऐप लॉक के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐप लॉक लगाना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन पे, लॉक लगाना चाहते हैं कि ताकि कोई और बंदा आपकी इस एप्लीकेशन को यूज़ ना कर सके, तो ये आप ये भी यहीं से कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा किसी ऐप लॉक को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो इसके लिए मैं कोई भी व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास दो व्हाट्सएप हैं और मेरे अलग अलग नंबर इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो मैं अपने ही नंबर पर मैसेज कर लेता हूँ। माई एयरटेल पे करता हूँ मैं, हाई सेंड कर लेता हूँ। और ये देखना, यहाँ पे हमें दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन जाके इसका रिप्लाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि मेरा लार्सिन चेंज हो तो आप हाइड के थ्रू इसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका लार्सिन भी चेंज नहीं होगा और किसी को नहीं पता चलेगा कि आप ऑनलाइन आए थे या नहीं आए थे। आप कैसे भी करके आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऐसे में बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। जी व्हाट्सएप तो नहीं चल रहा, तो ये एप्लीकेशन आपके ज़रूर काम में आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर किसी को दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।